गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु संचालित की जा रही योजना आयुष्मान भारत निर्मामय के तहत मुरैना में स्वास्थ्य शिविर आयोजित हुआ। शिविर में चिन्हित 2 सैकड़ों से अधिक मरीजों का परीक्षण ग्वालियर एवं भोपाल के बड़े चिकित्सालयों से आए 5 दलों द्वारा किया गया। गंभीर मरीज की डायलिसिस की भी निःशुल्क की गई। मरीजों को ऑपरेशन के लिए निर्धारित चिकित्सालयों में भेजे जाने का सुझाव भी दिया गया। सर, आए आप किस योजना के तहत, कितने डॉक्टर साहब आए? मैं डॉक्टर ओपी शुक्ला, आयुष्मान भारत योजना के तहत मैं जिला स्तरीय कैंप में जिला चिकित्सालय मुरैना में आया हूँ। मेरी करीब 5 लोगों की टीम है, उसमें PRO और हमारे 2 चिकित्सक डॉक्टर अनुराग सिकरवा और मैं स्वयं आया हूँ। कैंसर हॉस्पिटल से भी 2 डॉक्टर्स आए हैं, गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जरी और नाक कान गले कैंसर के लिए। मैं यहाँ कम से कम 6 मरीज इसके पित्त की थैली के पथरी के देखे, 2 मरीज करीब गुर्दे की पथरी के संभावित हैं उसमें, जो उनके पास अभी रिजल्ट नहीं था। इन मरीजों का ऑपरेशन सिर्फ हॉस्पिटल में दूरबीन पद्धति से निःशुल्क होगा, इसकी कोई चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पे अन्य पेशेंट भी देखे हैं जनरल, जिनका अभी इन्वेस्टिगेशन होना है, उसके बाद ही उनका पक्का डायग्नोसिस हो पाएगा कि इनको क्या है। पेट दर्द के मरीज देखे हैं, इस तरह के मरीजों को हो सकता है पथरी कहीं और भी हो, वो देख के बाद में इनका जांच वाँच के बाद उनका इलाज बुलाया। लगभग कितने मरीज देखे होंगे सर आप? लगभग 20-25 देखे। इस योजना के तहत इनका फ्री इलाज होगा? केवल जो उनका इलाज होगा जो हमारे यहाँ एम्पेरल है, जैसे पथरी के लिए है दूरबीन पद्धति से, पथरी के सारे ऑपरेशन निःशुल्क होंगे, वहाँ पर पिट की थैली के और गुर्दे की पथरी। दूसरे डायलिसिस की भी वहाँ फ्री ऑपरेशन होते हैं, लेकिन डायलिसिस का भी कोई मरीज, गुर्दे फेल का कोई मरीज मिला नहीं। सर, आए आप ग्वालियर से आए हैं, किस योजना के तहत आए हैं, कितने मरीजों को आपने देखा है और क्या 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 लाभ मिलेगा? हम लोग आयुष्मान भारत योजना के तहत सिम्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्वालियर से आए हैं, जो कि कैंसर पाड़िया पर स्थित है। और हमारे अस्पताल में आयुष्मान भारत की योजना का लाभ दिया जाता है। वहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ, जैसे मलेरिया है, सांस की बीमारी COPD है, और फेफड़ों की ट्यूबरक्लोसिस है, और जो हार्ट की TB है, और इसके अलावा और कई मौसमी बीमारियाँ हैं, उनकी भी हम आयुष्मान योजना के तहत उपचार करते हैं। और आज उसी के अंतर्गत जो कैंप का आयोजन किया गया है, उसमें हमारी पूरी टीम यहाँ पर आयुष्मान भारत की तरफ से मरीजों को उपचार लाभ देने के लिए आई है। और अभी करीब 150-200 मरीज मेडिसिन के, मैं मेडिसिन का चिकित्सक हूँ, तो मैंने 150 से 200 करीब मरीज देखे हैं इस योजना के तहत, और मरीजों को दवाइयाँ भी लिखी हैं, और उन्हें आग्रह किया है कि आप हमारे सिम्स हॉस्पिटल में आइए, कार्ड बनवा करके, और हम आपको जो भी बीमारियाँ उस योजना के तहत सरकार ने उसमें चिन्हित की हैं, उनमें हम उन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ देंगे और उनका उपचार बिना किसी अतिरिक्त फीस के या चार्ज के हम लोग उन्हें मुहैया करेंगे। गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब मरीजों के लिए योजना बड़ी राहत का काम कर रही है, इन मरीजों को तत्काल राहत मिल रही है। नाम है आपका? अरुण सिंह तोमर। कहाँ से आए हो? मुरगान से। क्या करने आए हो आज? मेरी मिसेज बीमार थी, उसे गुर्दा डैमेज था, इसलिए आयुष्मान कार्ड से दिखाने के लिए लाया। मेरा फ्री इलाज हुआ है, बाहर के डॉक्टर आए थे और फ्री सारी सुविधाएं मिली, और फ्री इलाज हुआ, बहुत बढ़िया। आयुष्मान कार्ड की चल रही है, मंत्री प्रधानमंत्री जी की लाभ मिल रहा है, ठीक है। लाभ मिल रहा है। मुरैना जिले में योजना आरंभ से अभी तक 2,67,831 कार्ड बनाए जा चुके हैं। अभी 14,15,498 कार्ड और बनाए जाने हैं। स्वास्थ्य विभाग में पंजीकृत 1,272 आयुष्मान कार्ड के हितग्राहियों में से 876 मरीजों का उपचार योजना के तहत कराया गया। इस पर 39,97,000 की राशि व्यय हुई है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ निरंतर मिलता रहे, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में भी आयुष्मान भारत निर्मायम योजना का कार्ड अगली जनसुनवाई के बाद बनना आरंभ हो जाएंगे। आज जिला स्तरीय आयुष्मान भारत का कैंप रखा गया है। अभी तक जो है 1,272 हितग्राही आ चुके हैं, जिनको हम इसका लाभ दे रहे हैं। और इसके लिए जो है बाहर से हमारे पास 3 विशेषज्ञ टीमें पहुंच गई हैं, जो जिन्होंने उपचार शुरू किया है। इससे पहले ब्लॉक स्तरीय जो है स्क्रीनिंग किया गया है, जिससे मरीजों को, जो आइडेंटिफाइड मरीज है जिनको आवश्यकता है, उनको बुलाया गया है। वही ये 1,200 लोग हैं, और आज ये तय होगा कि उनको क्या उपचार देना है
मौके पे अगर कोई उपचार पॉसिबल है तो वो देना है, या फिर उनको डेट दिया जाएगा जहाँ पे वो संस्था में जाके जो है अपना सर्जरी या जो भी ट्रीटमेंट कराना है वो करा सकते हैं। कैंसर और कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी है? कैंसर का अवेयरनेस भी हम कर रहे हैं, और खास करके महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के लिए जो है मैमोग्राफी मशीन और टीम जो है आई हुई है, जो रेड क्रॉस में काम कर रही है। और मेरा सभी महिलाओं से अपील है जो है वो इस चीज़ की ज़रूर जांच कराएं, ताकि समय रहते पता चल जाए कि वो स्वस्थ हैं या कैंसर की बीमारी से ग्रसित हैं। सर कुछ लड़ाइयों का ये कहना कि आयुष्मान कार्ड से जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो वहाँ जाके मना कर देते हैं कि नहीं हमारे इलाज होता है, उस पर किस तरह से? नहीं देखिए, ये कुछ कंफ्यूजन है, ये योजना स्लाइटली कॉम्प्लेक्स इस प्रकार से है कि कुछ ही चिन्हित बीमारी है जिनका जो है इलाज प्राइवेट अस्पताल में किया जाता है, और कुछ ही चिन्हित प्राइवेट अस्पताल है। तो मैं अगर ऐसा कोई एक्स हॉस्पिटल में पहुंच गया जहां पे मेरा उस बीमारी के लिए ये नहीं है, अनुबंध ही नहीं है, तो वो अस्पताल फिर मना करेगा। लेकिन जो अमूमन बड़े बड़े अस्पताल हैं उसमें हर प्रकार की बीमारी का जो है अनुबंध है, और अगर ऐसे प्रकार का कोई केस सामने आता है जहां पे अनुबंध होने के बावजूद भी उन्होंने मना किया है, तो ही जो है वो सीरियस एलिगेशन है, फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा चीज है कि हम लोगों ने अभी ये भी तय किया है कि ये बहुत ही बेनिफिशियल योजना है, लेकिन अभी इसका आउटरीच जो है कम है, और अभी जिला अस्पताल में भी हमने पता किया था तो प्रतिदिन 40 से 45 ही आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। इसको और स्केल अप अपन करेंगे और लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भी निर्देशित किया है। आयुष्मान कार्ड कितने बन गए हैं और कितने लोगों को लाभ मिला है? ये जब से योजना चालू हुई है, ये योजना बीपीएल धारकों के लिए है, अभी इसमें संबल योजना भी जोड़ दी गई है और खाद पर्ची वालों लोगों को भी जोड़ दिया गया है। ये सब मिला के अभी तक हमारे यहाँ पे 1272 कार्ड रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें से हमने 876 लोगों को लाभ दे दिया है, जिसमें 876 लोगों को लाभ देने के लिए हमें 39,97,000 रुपये के करीब शासन का खर्च हुआ है। ये आपको ये मालूम होगा, एक व्यक्ति के लिए 5,00,000 रुपए की एक साल में पात्रता है, यदि उस परिवार में 5 व्यक्ति भी हैं तो 25,00,000 रुपए तक का पात्रता है, पैसे नहीं दिए जाएंगे। संबंधित हॉस्पिटल में आप अपना इलाज करा सकते हैं, वो हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जिसकी लिस्ट हम लोगों ने अभी डिस्ट्रीब्यूट भी की है मध्य प्रदेश की, इसके अलावा अन्य प्रदेशों में भी आप जाके इलाज करा सकते हैं। हमारे बॉर्डर में यूपी भी है, राजस्थान भी है, दिल्ली भी पास पड़ता है, यहाँ जाके भी इलाज जो उन्हीं अस्पतालों में जहाँ की शासन के द्वारा मान्यता दी गई है, एवं सर्वप्रथम उस व्यक्ति ने अपने मरीज को जिला चिकित्सालय मुरैना में दिखाया हो, संभव है कि शायद वो इलाज मुरैना में ही हो जाए तो आयुष्मान कार्ड की जरूरत ही नहीं है। जब वो डॉक्टर लिख देगा कि ये इलाज यहाँ संभव नहीं है, आप ग्वालियर चले जाइए, तब वह आयुष्मान कार्ड धारक ग्वालियर जाएगा और ग्लोबल में जाए या सिम्स में, जैसी उसकी बीमारी होगी उस हिसाब से भेजा जाएगा, वहाँ उसका इलाज होगा, तभी संभव है जब वो यहाँ से रेफर होगा। सर कितने कार्ड बनाने का अनुमान दिया गया? हमारे टोटल कार्ड बनाने का है 14,15,000 के करीब हमारे कार्ड टोटल बनना चाहिए पूरी। जिला चिकित्सालय परिसर में आयोजित शिविर का शुभारंभ कलेक्टर प्रियंका दास द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज मुरैना।